संदीप सर के सर से मोटिवेट हो गए, पहली बार ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और इस ब्लॉग में आपको लेके जाएंगे हम वालोंग में। वालोंग से हम काहू तक जाएंगे। काहू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न लास्ट विलेज है इंडिया चाइना बॉर्डर में, और ये हंजो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी मैं टाउन से बाहर निकल के आ गया। जब पहाड़ जाएगा तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जल्दी निकल जाए। मैं तो लेट हो गया, अभी इट्स अराउंड 2 PM, लेकिन मुझे आज डायरेक्ट पहाड़ नहीं जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आज नमसाई में जाके रुक जाऊंगा, ऐसे ही प्लान है। देन कल भी पूरा पहाड़ तो जाना नहीं है, तो मैं आराम आराम से ड्राइव करके जाऊँगा। अकेला भी है और इतना दूर जाना है तो मैं टाइम लेके ही जा रहा हूँ। इसको देख के मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन याद आ रहा है। ये चेक गेट, अगर आप अरुणाचल का नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर गेट में पास बना के जाना पड़ेगा, बिकॉज अरुणाचल में आपको INP लगता है। यही कहीं पर खाने पीने का भी मिल जाना चाहिए। मैं भी चाय ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे चाय मिलेगा क्या शायद, शायद मिल जाएगा। इसका नाम है लाइव किचन। जस्ट चेक क्या क्या मिलता है इधर। चाय तो पी लिया, थोड़ा एनर्जी भी आ गया, निकल लेता हूँ। अंधेरा भी होने वाला है, अभी तो से 5:30 तक तो रहेगा शायद धूप, बट मुझे रिजॉर्ट में जाके थोड़ा रिफ्रेश होना है। मैं सुना कि रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, अच्छा अच्छा बनाया है। नमसाई तो हम क्रॉस होकर निकल गए। ऐसे तो अभी आधा घंटे में पहुंच जाना चाहिए 4:40, ताकि हम चला मसाज भी रहे। हम लोग ऑलरेडी चौकम पहुंच गए हैं। इस साइड से लेफ्ट से जाएगा तो आपको गोल्डन पगोडा मिलेगा। बहुत बार जा चुका हूँ इसलिए तो जान चाहूँगा नहीं। अभी मेरे को सीधा अभी होटल आराम करना है एकदम बढ़िया से। ऐसा राइट साइड से एक नदी जाता है, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ ऑल द रिजॉर्ट हियर। इसके ऊपर कम से कम 5-6 तो रिजॉर्ट है इस नदी के एक लाइन में, और सभी ने नदी के ऊपर ही बनाया है, तो टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं। सेवन के एम यहाँ पे यहाँ से जाते हैं क्या? 7 KM रिजॉर्ट यहाँ आगे में क्या? ये वाला ना? हाँ हाँ, थैंक यू। दीदी ने तो गलत रास्ता बता दिया, मैं वापस जा रहा हूँ। पीछे में 7 PM Thank you.
काउंटर यही है क्या? इधर रूम बुकिंग था। तो यहाँ पे पहुँच गया है। ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। कॉटेज इज ओके, आई मीन एक्चुअली रूम वगैरह तो एम्बियंस तो बहुत, एम्बियंस के लिए एकदम नंबर वन है। इधर पे डायरेक्ट जाके नहा सकते हैं आप। वहाँ पे है रेडी और ये मेरा रूम है, जैसे व्यू भी अच्छा रहेगा। बाकी ये रूम है, ये रूम का रेंट है 3000। ये इतना मैट्रेस भी, मैट्रेस इतना सॉफ्ट नहीं है, बस नॉर्मल सा मैट्रेस है। एंड ये कुछ भी नहीं चलता है, उसको कॉल करके बोलना पड़ेगा। अच्छा लाइट चल रहा है, अब बाथरूम अच्छा है, आपको ऐसा मिल जाता है। दो आदमी का ऑक्युपेंसी है, दो आदमी रह सकते हैं 3000 में। और देखता हूँ क्या क्या है, अभी फैन चल रहा है। ऐसे खुला रहना चाहिए। नहाने जाना पड़ेगा अपना रिजॉर्ट, थोड़ा कहीं हो रहा है, देखना चिल कर रहे हैं, मेरे को भी जाके चिल करना पड़ेगा।